आगे बढ़ाते हुए अत्यंत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूं माननीय श्री हेमचंद जी यादव को उनके उद्बोधन के लिए। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कोई यहां कहूं कि युग पुरुष, और युग पुरुष इसलिए कि योग को इस युग में सारे विश्व को पहचान देने वाले या जना देने वाले हमारे बीच बाबा रामदेव जी उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे क्रिकेटर हरभजन सिंह जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। यहां मंच पर उपस्थित आदरणीय कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश बड़े भैया पांडे जी, आदरणीय भाभी जी, आदरणीय विधायक जी और चेयरपर्सन हमारे मनीष पांडे जी। वैसे किसी आयोजन को अगर कोई लगातार एक या दो साल भी करो ना तो थोड़ा सा थकान का एहसास होता है या थोड़ा सा उसमें गिरावट आता है, पर उनका हौसला देखते ही बन रहा है कि ये लगातार 6 साल से चल रहा है और हर साल बढ़ते ही क्रम पे चला जा रहा है, इसलिए मैं उसको शुभकामनाएं और अपनी बधाई देता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि एक शायर ने जो कही है निश्चित उसमें उतर रहा है वो बात पूरी तरह कि कौन कहता है आसमान पे छेद नहीं होता, अरे दम से एक पत्थर तो उछालो यारो, आसमान पे भी छेद होता है। और ये उन्होंने करके दिखा दिया, क्योंकि पहली बार उन्होंने कहा था कि इस छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभा को मैं राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना मेरा परम उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की ओर वो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने उद्देश्य की ओर उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करे। सम्मान के लिए उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वक्ता आपके बीच में भी उपस्थित हैं, बहुत लंबी बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।